हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थीसिस पब्लिकेशन की साइट्स के बारे में। दोस्तों, थीसिस पब्लिकेशन साइट्स पर हम लोग अपनी थीसिस को पब्लिश करा सकते हैं। और साथ ही साथ, जैसे कि आपको पता है कि एमटेक और पीएचडी के लिए आपको थीसिस कंप्लीट करनी होती है। थीसिस कंप्लीट करने के बाद आपको उस पेपर को पब्लिश करना होता है। पेपर पब्लिकेशन के बाद आपका पेपर जो होता है वो पब्लिश हो पाएगा। तो दोस्तों, थीसिस पब्लिकेशन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन साइट्स पर आप जाकर अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन करना होगा और फिर आपको ऑनलाइन पे करके अपना पेपर जो होगा पब्लिश करा लेना चाहिए। दोस्तों, थीसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप अगर आप पेपर पब्लिश नहीं कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो कोर्स वर्क किया है, आपने जो भी काम किया है, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर पेपर पब्लिकेशन करना होता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट जो हैं अवेलेबल है थीसिस के लिए, जिनमें आप अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। दोस्तों, थीसिस कंप्लीट करने के लिए आपको पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया चूज़ करना होता है, उस फंक्शनल एरिया पर जिस पे आप वर्क कर सकते हैं और जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके साथ ही साथ आपको अपने जो भी आपने फंक्शनल एरिया लिया, उसके रिगार्डिंग आपको अपने गाइड से मिलना होता है, और वो जो गाइड आपको यहाँ पर आपको समझाता है और आपको प्रोसेस करने में मदद करता है, और उसी गाइडेंस के थ्रू आप अपना एमटेक का थीसिस का कंप्लीट या पीएचडी का थीसिस कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जो फंक्शनल एरिया है और जो भी आपका उस पर वर्क करना है, तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको ई थीसिस पर ध्यान देना होता है। ई थीसिस आपको उस पर्टिकुलर एरिया से कि आपको उस पर स्टडी करना होता है कि जो कोर्स वर्क पहले से हो चुका है, जिस पर आप और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको ई थीसिस देखनी होती है। तो इसके लिए दोस्तों, आप इन साइट्स का भी विजिट कर सकते हैं, और जिन साइट्स पर आपको इससे रिलेटेड स्मॉल कंटेंट या एब्स्ट्रैक्ट जो होगा वो आप पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप उस पर फर्दर मॉडिफिकेशन करके अपना वर्क करके आगे अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। दोस्तों, आप मेथड जो है काफ़ी इजी हो गया है। दोस्तों, आपको ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपको ऑनलाइन पे करना होगा, और आफ्टर द रिव्यू आपका पेपर जो होगा वो पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली साइट है जो जिसका नाम है science direct.com। आप URL पे सर्च करेंगे तो आपको science direct.com की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी इसकी रैंकिंग है और आप इस पे पेपर पब्लिश करा सकते हैं science direct.com। इसमें आप कीवर्ड्स, ऑथर नेम और जनरल बुक, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर के अकॉर्डिंग भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, और क्या क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसेस में लिखा है। साइंस डाइट दोस्तों इज अ वेबसाइट विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ लार्ज बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल पब्लिकेशन ऑफ द ब्रिटिश पब्लिशर एलिसवेयर। दोस्तों, काफ़ी अच्छी साइट है और डेट लॉन्च हुई थी इसकी दोस्तों, देख सकते हैं 1997 को। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट साइट का नाम है दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, जिसका वेबसाइट का नाम है www.ijsrp.org। तो दोस्तों, आपको www.ijsrp.org पर सर्च करना है, और दोस्तों आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना पेपर पब्लिकेशन करा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IJSRP। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग www.ijramt.com। दोस्तों, इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश इन 48 आवर्स, इंटरनेशनल जर्नल फ्री ई सर्टिफिकेट, लो पब्लिकेशन फीस, ISSN जर्नल्स, फास्ट पब्लिकेशन, सबमिट पेपर, पब्लिश पेपर एंड इंडेक्स जर्नल। दोस्तों, साइट का नाम है www.ijramt.com। नेक्स्ट दोस्तों लोग आगे आते हैं www.elsewhere.com। सबमिट योर पेपर elsewhere, फाइंड अ जर्नल, फाइंड आउट ऑफ द जर्नल दैट कुड बी बेस्ट सिचुएटेड फॉर पब्लिशिंग योर रिसर्च, मैच योर मैन्यूस्क्रिप्टिंग यूजिंग द जर्नल फाइंडर elsewhere, फाइंड जर्नल फाइंडर। नेक्स्ट दोस्तों आता है www.ijaresm.com, UGC-approved जर्नल एट लोएस्ट प्राइस विद इन द वन डे, पब्लिश पेपर इन 24 आवर्स, UGC जकियर जर्नल, UGC अप्रूव। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं साइट पर www.ijsrp.org, और दोस्तों साइट का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन IJSRP। IJSRP इज़ अ रिफर्ड इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश रिसर्च पेपर इन ऑल डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें
साइट का नाम है www.emeraldgrogroupingpublishing.com। दोस्तों पब्लिशिंग जर्नल एमर्ल्ड पब्लिशिंग, हाउ टू पब्लिश योर पेपर इन एमर्ल्ड जर्नल एंड रिसोर्स टू हेल्प योर अंडरस्टैंड ईच स्टेप फ्रॉम द सबमिशन टू पब्लिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों साइट का नाम है www.ijrar.org, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यू, UGC अप्रूव्ड जर्नल, UGC अप्रूव्ड, UGC सर्टिफाइड, पब्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री पब्लिकेशंस एंड UGC एंड ISSN अप्रूव्ड इंटरनेशनल पीयर ऑफ जर्नल ऑफ रिसर्च। दोस्तों इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एनालिटिकल रिव्यू, दिस इज द साइट, इस साइट पे आप अपना पेपर जो है वो पब्लिकेश करा सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक गाइडलाइंस मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों है www.ardaconference.com, जर्नल पब्लिकेशन स्कोपस इंडेक्स जर्नल, पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पब्लिकेशन, इंक्वायर अस एंड गेट मोर डिटेल्स अबाउट द स्कोपस वेब ऑफ पेजेस। दोस्तों काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है रखना है आपको। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।